हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल चौहान फैब्रिकेशन में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके अपने घर के कूलर के लिए कूलर स्टैंड कैसे बनाया जाता है, कूलर स्टैंड की साइज़ क्या होती है और इस कूलर स्टैंड को बनाने में कितना खर्चा आने वाला है और इस कूलर स्टैंड को अपने कूलर में कैसे फिट किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कूलर स्टैंड कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते वीडियो की ओर और जानते हैं कूलर स्टैंड कैसे बनाया जाता है और इसमें किस किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कस्टमर का कूलर आया है जिसमें क्या हुआ है कि ये इसमें चार व्हील लगे हुए हैं कूलर में ही, पर इसका जो एक व्हील है वो रस्ट के कारण टूट गया है। तो हम ये जो चार व्हील है इनको निकाल कर इसमें एक कूलर स्टैंड फिक्स करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कूलर है इस कूलर की हम साइज़ देख लेंगे। तो दोस्तों, ये जो कूलर है इस कूलर की साइज 16 इंची × 19 इंची है। तो दोस्तों, जैसा कि इस कूलर की जो साइज़ है, इस साइज़ में हम आधा इंची बढ़ाकर इस कूलर का स्टैंड बनाने वाले हैं ताकि जो कूलर है वो इस स्टैंड में फंसे ना। तो दोस्तों, कूलर स्टैंड बनाने के लिए हमने 1x1 इंची की MS एंगल काट रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्हीं एंगल से हम कूलर का स्टैंड बनाने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो कूलर स्टैंड है, इस कूलर स्टैंड में हम कॉनकॉर्ड कंपनी के व्हील इस्तेमाल करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉनकॉर्ड कंपनी के व्हील होते हैं ये बहुत ही मजबूत व्हील है। इसकी एक वीडियो मैंने पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जल्दी से आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने इसकी फुल डिटेल दे रखी है, जैसे कि इसकी प्राइस, इसकी लाइफ लाइन, इन सभी के बारे में मैंने उस वीडियो में बात कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई बटन में जाकर भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के व्हील आते हैं चार जो हम कूलर स्टैंड में लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि इस कूलर स्टैंड को बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, हमारा एक कूलर स्टैंड बनके तैयार हो चुका है और जो इस कूलर में व्हील लगे थे वो भी हमने ग्राइंडर की सहायता से काट दिए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ये वाले व्हील इस कूलर में लगे थे, हमने इस व्हील को ग्राइंडर की सहायता से काट दिए हैं और अब इस कूलर में हम ये कूलर स्टैंड फिक्स करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारा लोहे का कूलर है और इस कूलर में हमने लोहे से बना हुआ स्टैंड फिक्स कर दिया है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और इसमें हमने बिल्कुल माइनर गैप रखी हुई है ताकि इसमें आवाज़ ना आ सके, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इसमें कोई भी गैप नहीं है इस कूलर और इस स्टैंड के बीच। और जो एक व्हील आप देख सकते हैं इस स्टैंड में लगे हुए, ये 360 डिग्री रोटेट होते हैं, तो आप इस कूलर को कहीं भी आसानी से रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कूलर स्टैंड को बनाने में टोटल कितना खर्चा आया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कूलर है, इस कूलर में ये वाले व्हील लगे हुए थे, तो इन व्हील को निकालने का खर्चा टोटल 50 रुपये है। और जो ये नए वाले व्हील लगाए हमने, डबल व्हील वाले,
ये जो व्हील है ये 200 रुपये के मार्केट में मिलते हैं, और जो इंगल लगाई है हमने ये जो इंगल है 150 रुपये की है, और जो इस स्टैंड को बनाने का लेबर खर्च होता है वो लेबर खर्च हमने 200 रुपये लिया है कस्टमर से। तो इस कूलर स्टैंड को बनाने में टोटल खर्चा 600 रुपये हुआ है। तो आप भी 600 रुपये में अपने घर के कूलर के लिए इस तरह का स्टैंड बनवा सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये कूलर स्टैंड अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल चौहान फैब्रिकेशन पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल चौहान फैब्रिकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।